स्वागत है आपका हमारे अनप्लग्ड एग्जाम चैनल पर। इस वीडियो में हम सिंपलीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन कराएंगे, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में गुणा के कुछ क्वेश्चन कराए थे। और इस वीडियो में हम सिंपलीफिकेशन के साथ साथ जोड़, घटा और भाग का बेसिक भी बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। सिंपलीफिकेशन का एक रूल होता है जिससे कहते हैं वी बोर्ड मास। वी को कहते हैं विनिक्यूलम। और वी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ और डी से होता है डिवीजन और एम से होता है मल्टीप्लाई, ए से होता है एडिशन और एस से होता है सब्सट्रैक्शन। ये इसी फॉर्मेट में सॉल्व होंगे। सबसे पहले होगा विनिकुलम। विनिकुलम का मतलब होता है बार। जो भी क्वेश्चन में सबसे पहले बार लगा होगा वो सबसे पहले सॉल्व होगा। जैसे कि 2+3, इसके ऊपर बार लगाए तो ये चेंज हो जाएगा माइनस में। इसी तरह अगले फिर ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है (3080 - 6160) भाग एक्स इक्वल टू 330। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अभी बताया था मैंने वी बोर्ड मास, यहां पर बार तो है नहीं, उसके बाद देखते हैं हम ब्रैकेट। इसके ब्रैकेट के अंदर वाली को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अब इसको जोड़ेंगे 3080 और 6160 को। हम जोड़ते कैसे हैं? इसको लिखेंगे पहले 3080, ये मैं बेसिक वालों को बता रहा हूँ, 61 और 60। जीरो लिख देंगे, 8, 6, 14 इकाई का अंक यहाँ आएगा, ढाई का अंक अगली वाली संख्याओं के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ ये ऊपर लिख देंगे और 1, 1, 2 और 6, 3, 8, तो ये कितने हो गए? 6, 3, 9। तो ये कितने हो गए? 9,240 भाग एक्स 330। ये एक्स है, ये इधर आ जाएगा 9,240 भाग 330 इक्वल टू 30 एक्स। अब इसका भाग देते हैं, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब 33 का भाग 924 में देते हैं। कैसे देंगे? 924, सबसे पहले देखते हैं हम इधर कितनी संख्याएं हैं। तो इधर है दो संख्या, फिर इधर देखते हैं हम दो संख्याओं को लेते हैं। इधर जितनी संख्या इधर होती है उतनी संख्याएं हम इधर लेते हैं। जैसे यहाँ दो संख्याएं तो यहाँ दो संख्याएं,
अब देखते हैं क्या ये संख्या इससे बड़ी है, तो ये इससे बड़ी है। अगर ये इससे छोटी होती तो इस संख्या को इसके साथ जोड़ लेते, तो हम तीन संख्याओं में भाग देते। अभी हम दो संख्याओं में भाग देंगे, तो 33 दूनी 66, 33 तिया 99, तो ये इससे ज़्यादा चला जाएगा। हम इससे कम लेना है तो ये कितने देंगे 66, 12 में से 6 गए तो ये 6 बचे, 9 में से 6 गए नहीं इधर एक जाएगा तो 12 में से 6 है तो 6 बचेगा, यहाँ ले जाएंगे 8, 8 में से 6 गए 2, और यहाँ कितना आएगा 4। अब 33 का भाग देंगे 264 में, अब ये कितने बार जाएगा, तैतीस अठे आठिया 24, आठिया 24 और 2 26, तो ये जाएगा 8 बार। अब ये है नहीं तो नीचे कर, तो इसका आंसर हो गया 28। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, छप्पन गुणा 15 भाग 3 माइनस 83 एक्स माइनस 139। मैंने बताया था सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों में बोर्ड मास, तो इस हिसाब से सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, भाग वाला, तो सब भाग देते हैं 3 का 15 में तो कितनी बार जाएगा, 5 15 गुणा 56 माइनस 83 एक्स माइनस 139। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 6 5 30, 30 तीन अगली वाली संख्याओं के साथ जाएगा, 5 25, 25 और 3 28 माइनस 83 एक्स माइनस 139। अब इसको घटा लेते हैं, 10 में से 3 गए 7 बचे, अब यहाँ कितने बचे 7, और जब ये 7 बचे तो 1 इधर से लेंगे तो ये 17 में से 8 गए कितने बचेंगे 9, और यहाँ ले जाएगा 1, तो ये बचे 197, ये गए 139, 139 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये कितने हो जाएंगे 197 प्लस 139, तो ये कितने हो जाएंगे 9 7 16, एक अगली वाली संख्याओं के साथ जाएगा, 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 और 1 13, एक अगली वाली संख्याओं के साथ जाएगा 1 1 1 3, तो यही आपका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक 24 माइनस 362 माइनस 214 भाग 786 माइनस 730 इज इक्वल टू एक्स। अब सबसे पहले ब्रैकेट वाली को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ कितने हो गए, पहले माइनस माइनस वालों को जोड़ लेते हैं, 1024
माइनस 4 2 6 6 1 7 3 2 5। अब इनको घटाते हैं, 4 में से 6 घटेगा जाएगा नहीं, तो 1 इधर से लेते हैं तो ये कितने हो जाएंगे 14। 14 में से 6 घटाएंगे तो कितने हो गए 8। अब यहाँ अच्छा 1, 1 में से 7 जाएगा नहीं तो इधर से लेंगे 1, लेकिन यहाँ 0 है तो यहाँ ऐसे लेंगे 1, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 10 में से 1 लेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 9 और यहाँ आ जाएगा 11। 11 में से 7 गए तो बचिए 4। अब यहाँ कितने बचिए 9, 9 में से 5 गए 4। अब इसमें से देखते हैं 786 में से 730 घटानी है, तो ये 6 में से 0 गए तो 6 ही जाएगा, 8 में से 3 गए कितने जाएगा 5, और 7 में से 7 जाएगा नहीं 0 आ जाएगा। अब 56 का भाग 448 में देना है, तो यहाँ पर दो संख्याएं इससे छोटी हैं तो इन तीनों में दिया जाएगा। अब 56 का भाग कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 8 बार, यही इसका आंसर होगा। देख लेते 56 8 6 48 8 5 40 और 4 44। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सही 1/6 माइनस एक सही 1/9 प्लस एक सही 1/54 इक्वल टू एक्स। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे? जब भी ऐसा लिखा हुआ मिले इसका मतलब होता है 1 प्लस 1/6, इसका मतलब होता है 1 प्लस 1/6। इसी तरह इसका भी होगा 1 प्लस 1/9, 1 प्लस 1। अब इसको लिख लेते हैं, पहले हम 1 प्लस 1/6, ये सब लिखना नहीं है, ये सब प्रैक्टिस से करना है, ये मैं लिख के बता रहा हूँ क्योंकि ये शुरुआत से बता रहा हूँ। 1 प्लस 1/54 x। अब ये 1 1 1 को अलग लिख लेते हैं, 1 minus 1 plus 1 plus 1/6 plus 1/9 1/54 = x। अब ये कट जाएगा 1 से 1 तो यहाँ रह जाएगा 1। अब इन संख्याओं का लासा लेते हैं। अब लासा कैसे लेते हैं, इनको लिख लेते हैं एक तरफ 6 9 54। अब हम सबसे छोटी वाली संख्याओं से भाग देते हैं, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 2, 2 3 6 9, 2 2 4 5 6 4 7 14। अब ये कितनी जाएगा 3 से 3 1 3 3 2 9 3 9 27, 3 1 3 3 2 9। अब इनका हम गुणा कर लेते हैं, 2 3 6 6 3 18 और 18 54, तो इसका लासा क्या होगा 54।
इस फिर इसका भाग देंगे नीचे वाली संख्याओं का, इसमें 6 निम्मा 54 प्लस 9 छक्के 54 का भाग 54 में एक बार 1 प्लस। अब इनको जोड़ लेते हैं, 9 6 15 15 और 1 16। यही आपका। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले 2 8 16 2 1 2 2 4 2 7 14, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 सही 8/27। यही आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बारह गुणा 184 भाग 23 + 26 - 73 = x। हम सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट वाले को। 23 का भाग ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम देखेंगे किसको सोल्व करेंगे, भाग गुणा से बड़ा होता है तो हम भाग वाले को पहले सोल्व करेंगे। 23 का भाग 184 में देंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, तो ये जाएगा 8 बार। 23 8 184। +26 - 73। अब ये कितने हो गए, 12 8 96 +26 - 73। अब किसको जोड़ना है, सबसे पहले प्लस वालों को, 26 और 96, तो कितने हो गए ये 6 6 12 एक अगली वाली संख्याओं के साथ, तो ये 9 10 9 2 11 और 1 12 -73 = x। x बराबर कितना चला जाएगा, ये 12 में से 3 गए कितने, तो ये बचे 9 और यहाँ कितने बचे 1, 1 में जाएगा नहीं तो 1 ही 10 से आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 11 11 में से 7 गए तो ये बचे 4। यही आपका आंसर होगा। इस वीडियो में मैंने सिंप्लीफिकेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए हैं, इसी तरह मैं करीब 200 क्वेश्चन करा दूंगा। इसी तरह यूपी टेट एग्जाम में आएंगे, बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो बेसिक लेवल पे हैं वो इसी तरह प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।